जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए जो SSC GD के थ्रू ITBP BSF CRPF CISF और SSB ज्वाइन करने वाले हैं या सम राइफल ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, इसमें मैं आपको ऐसे कुछ फ़ायदे गिनाऊंगा जो आपको मतलब पता नहीं है। मतलब जो शादी किया उसको फ़ायदा, बच्चे हो गए तो डबल फ़ायदा, जो शहर में रहता है उसको फ़ायदा, और कब आप रिटायरमेंट ले सकते हो, कितने साल बाद आप रिटायरमेंट कम से कम सर्विस करके रिटायरमेंट ले सकते हो ताकि आपको कोई भी पैसे जमा ना कराने पड़े। साथ ही आप मतलब किस प्रकार से मतलब केवल रेलवे के दो टिकट जमा करा के भी आप 20 से 30 हज़ार रुपये ले सकते हो। दोस्तों केवल रेलवे के दो टिकट जमा करा के, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अनगिनत फ़ायदे बताने वाला हूँ जो आपको ये मिलने वाले हैं जैसे आप पैरामिलिट्री ज्वाइन करने वाले। दोस्तों तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि लास्ट तक मैं आपको कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। अभी तक तो कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया, ना मैंने बनाया ना किसी ने यूट्यूब पे बनाया होगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही बता दूँ जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है जिसमें मैथ और रीजनिंग की मैं क्लास शुरू कर दिया हूँ। तो जितने भी मैथ और रीजनिंग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं या न्यू वैकेंसियों की अपडेट पाना चाहते हैं तो उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। दोस्तों तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो शादी किया उसके फ़ायदे और जो शादी करके जिसके बच्चे हो गए उसके डबल फ़ायदे। तो डबल फ़ायदे कैसे हैं इससे बात करते हैं। सबसे पहले अगर कि आपकी शादी हो गई है तो आप जैसे जॉइंट अकाउंट दोगे तो आपको सबसे छोटा सा फ़ायदे से बड़े फ़ायदे की तरफ ले। अगर आप जॉइंट अकाउंट बनाते हो तो जैसे आप नॉमिनी फॉर्म वहाँ भरते हो तो जब आप स्टार्टिंग में जो नॉमिनी फॉर्म भरोगे उसी समय आप अपनी वाइफ को जितना नॉमिनी अभी कर दिया गया 60% वाइफ और 40% मदर फादर, तो आप वाइफ को जैसे आप वहाँ पर नॉमिनी लिखते हो और मदर फादर भी आपके नॉमिनी के रूप में रहते हैं। तो जैसे आप फॉर्म भरते हो तो एक तो आपकी पूरी सर्विस की वो परेशानी ख़त्म हो गई, नहीं तो आपको बार बार ये करना पड़ेगा कि अभी मेरी मदर नॉमिनी है फिर उसके बाद में फादर नॉमिनी है या फिर वाइफ नॉमिनी है, तो इसके लिए फिर हेडेक रहेगी आपके बहुत ज़्यादा क्योंकि बार बार इन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने पड़ेंगे। तो एक तो वो काम हो गया सबसे आपका आसान कि आपको फिर बाद में जैसे आपके बच्चे होंगे नाम जुड़ाने में आसानी रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। एक बार आप वहाँ पर कर दिए मेरिड और फिर आपके जो लिख दिए उससे ही आपका वैलिड हो जाएगा और आपकी आसानी रहेगी पूरी सर्विस में। अब अगर आपके बच्चे हैं तो क्या फ़ायदे हैं, बच्चे होने के दो बच्चे हैं आपके तो सालाना मतलब 1,44,000 रुपये तक आपको फ़ायदा हो सकता है, 1,44,000 रुपये तक आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आपके दो बच्चे हैं। तो दो बच्चे हैं तो आपको 1,44,000 का फ़ायदा कैसे होता है, और 54,000 तक का भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके बच्चे मान लो LKG में ही पढ़ रहे हैं, LKG HKG UKG आजकल बहुत KG चल गया है, इनमें से कोई सी भी KG या फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चे का साल का 27,000 रुपये फ़ीस के रूप में आपको मिलता है। आपको पता है एक बच्चे का 27,000 रुपये साल की फ़ीस के रूप में मिलता है अगर वो बच्चा घर से स्कूल जाता है। अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहता है तो आपको उसका पैसा 54,000 के आसपास या 60,000 के आसपास मिलता है। दोस्तों वो आपका जिस ऑफिस का हॉस्टल रहेगा उस हॉस्टल की जो आपके लगाओगे रसीद है उसके हिसाब से, लेकिन 1,44,000 रुपये तक मिलता है। दोस्तों अगर एक बच्चा तो 27,000, दो बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस 54,000 रुपये। अब देख लो जिन्होंने शादी कर ली कितने फ़ायदे में, जिनके बच्चे हो गए हमारे साथ में, जिनके बच्चे हो गए हमसे हर महीना हर साल में 1,44,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। तो जिनके बच्चे हो गए दो बच्चे हैं वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनको इतना फ़ायदा हो सकता है। तो 44,000 मतलब एक बच्चे के 27 और दो बच्चों के 54,000 अगर वो घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो 1,44,000 रुपये तक आपको फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला था अगर कोई शादीशुदा है तो छुपाना नहीं, लिख देना शादीशुदा और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फिर फ़ायदे गिनना, काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे आपको इसके। उसके बाद में जो दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि जिनका अगर सिटियों में जैसे दिल्ली, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या जिनका हाइपर सिटियों में जिनके घर हैं, जयपुर हो गया, अजमेर है या बिहार, पटना, बड़ी बड़ी जिन सिटियों में जिनके घर हैं या मुंबई, गोवा, इनके क्या फ़ायदे हैं। तो देखो दोस्तों जो महानगर है अपने महानगरों का जो HR है वो है 24%, तो मतलब कि आपको जो गांव में बंदा रहता है उसको मिलता है 8%, आपको मिलता है 24% आपकी बेसिक पे का। मतलब अगर उसको 1800 रुपये मिलता है तो आपको 5400 रुपये HR के रूप में मिलता है महीने का। तो मतलब एक महीने में आपकी उससे पेमेंट 4000 प्लस हो गई, एक महीने में आपकी पेमेंट उससे 4000 प्लस हो गई। तो 4000 प्लस का मतलब आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आप जहाँ रहते हो उसका ही फ़ायदा हो रहा है आपको, कि आप अगर किसी सिटी में रहते हो उसका ही फ़ायदा।
अब जैसे जयपुर अजमेर है, कुछ 16% वाले में आते हैं जो सिटियाँ होती है, महानगर और नगर ये आते हैं 16% में। तो जिनको 16% मिलता है, जैसे जयपुर अजमेर बिहार पटना, सॉरी बिहार क्या पटना, इन जगह 16% जो लगता है, तो इसमें आपको फ़ायदा है कि आप वहाँ रहते हो। अब कुछों का एक क्वेश्चन भी रहेगा कि सर गाँव वालों को इतना कम क्यों मिलता है। HRA का मतलब होता है कि होम रेंट अलाउंस, मतलब आपका जहाँ घर है वहाँ का कितना रेंट हो सकता है अगर आप वहाँ अपनी फैमिली रखो। तो आपको सीधे ही बता, अगर आप महानगर में रहते हो तो आपको 5,000 रुपये महीने खर्च करना ही पड़ेगा एक होम लेने के लिए, और गाँव में वही मकान 1500-1600 रुपये किराए में आ जाएगा। अब हाँ, अगर किसी का कोई घर जयपुर में है, उसने एड्रेस लगा दिया है गाँव का, घर कहाँ है जयपुर में सिटी में, और एड्रेस लगा दिया गाँव का क्योंकि गाँव में भी घर है, तो वो चाहे तो एड्रेस चेंज कर सकता है ज्वाइनिंग के टाइम। तो इसके भी बेनिफिट्स है आपको, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, HRA फिर जयपुर का मिलेगा, और जयपुर का HRA आपके गांव के HRA से ज़्यादा होगा दोस्तों। होम रेंट अलाउंस वो आपके हर महीने पेमेंट में आता है, ट्रेनिंग से, आपके ट्रेनिंग से वो हर महीने पेमेंट में आता है। इसके अलावा जो मेरा तीसरा था कि आप रेलवे के 2 टिकट जमा करा के 20 से 25,000 रुपये तक साल में ले सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप पूरी सर्विस में केवल 6 बार ले सकते हो। अब दोस्तों आपको एक साथ में एक जानकारी वो दे दूँ, कईयों को नहीं पता होगा कि हर एक पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसा भी है कि आप 4 साल तक अगर वो टिकट नहीं लेते हो, फोर्स की तरफ से वारंट मिलते हैं आपको ट्रेन के, जैसे मैंने बताया था आप ट्रेनिंग सेंटर में जब आपसे फॉर्म भराया जाएगा ज्वाइनिंग सेंटर में, तो आप वहाँ पर रेलवे स्टेशन नज़दीकी वो लिखना जहाँ जंक्शन लगता है, कोई छोटा रेलवे स्टेशन नहीं लिखना कस्बे का, जहाँ पर बड़ा जंक्शन लगता है वो लिखना। तो आपको जो यहाँ से डिपार्टमेंट से आप छुट्टी जाते हो तो वारंट मिलते हैं, तो अगर आप वारंट नहीं लेते हो 4 साल तक, कितने साल तक, 4 साल तक, तो फिर 5वें साल में आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इंडिया में कहीं पे भी घुमा के ला सकते हो, उसका पूरा खर्च गवर्नमेंट वहन करेगा, आपका डिपार्टमेंट वहन करेगा। तो ये कमाल की बात है, शायद आपको नहीं पता होगी, अगर आप 4 साल तक वो वारंट नहीं लेते हो और फिर आप अपनी पूरी फैमिली मतलब जो आप पे डिपेंड करते हैं, जैसे माता पिता, आपकी छोटी बहन है तो वो, या छोटा भाई है तो वो, बहन बड़ी भी है अगर मेरिड नहीं है तो वो आपके बच्चे हैं, बीवी है, वो डिपेंड करते हैं। तो इनको आप अच्छे से घुमा के ला सकते हो पूरा का पूरा गवर्नमेंट खर्चे पर, पूरा का पूरा जो इनका खर्चा होगा आने जाने का, ट्रेन का, सेकंड थर्ड क्लास एसी का, तो वो पूरा का पूरा खर्चा वहन करेंगे आपका डिपार्टमेंट, आप कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी घुमा के ला सकते हो। दूसरा, अगर आप साल में, जैसे इस साल में कोई भी वारंट नहीं लेते हो, तो उस साल में आप 2 टिकट अपने जमा करा के, यानी वहाँ से वहाँ की जो दूरी और 1 टिकट जमा कराने से आपको 20 से 25,000 रुपये अभी पेमेंट के अनुसार, पेमेंट का 10% बनता है, तो मतलब आपके अगर 30,000 के आसपास पेमेंट बनती है तो एक्स्ट्रा वो पूरा किराया, उसके अलावा 10% वो पेमेंट का बनता है, और भी कुछ अलाउंस लग के वो आपका 17-18,000 रुपये के आसपास पैसा बन जाता, तो वो पैसे आपको ले सकते हो। लेकिन ये इस प्रकार से आप केवल पूरी सर्विस में 20 साल के सर्विस में 6 बार ले सकते हो, और जो 4 साल वाला बेनिफिट मैंने बताया कि 4 साल बाद में अपनी फैमिली घुमा सकते हो, वो आप हर 4 साल बाद में घुमा सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है कि आप हर 4 साल अगर आप टिकट नहीं लेते हो रेलवे से डिपार्टमेंट से, तो फिर 4 साल बाद अपनी पूरी फैमिली को कहीं पर भी इंडिया में घुमा के ला सकते हो दोस्तों। तो ये बात आपको नहीं पता होगी। अब इसके बाद में अगली बात बताता हूँ कि रिटायरमेंट, कि आप मिनिमम कितनी सर्विस करके रिटायरमेंट ले सकते हो कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो मिनिमम 10 साल की सर्विस करके आप रिटायरमेंट ले सकते हो, लेकिन शर्त उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपको NPS में जो आपका पैसा जमा हो वो तभी मिलने लग जाए, उसकी जो शर्तें वो तो पूरी होनी है, उसकी शर्तें अभी तक पूरी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ शर्तें ऐसी है जिसमें लिखा हुआ है कि आप 60 साल की आयु से आपको पेंशन दी जाएगी, आपका पैसा मिलेगा, और कुछ शर्तें ऐसी बता रहे हैं कि फोर्स के मेंबरों के लिए जब 20 साल बाद में रिटायरमेंट ले रहा है तब उसको पैसा और पेंशन शुरू हो जाएगी, तो वो तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन 10 साल बाद में अगर आप सर्विस ख़त्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 साल से पहले करते हो तो आपको अपने लास्ट 3 महीने की पेमेंट जमा करनी पड़ती है विथ रिस्क अलाउंस। अगर मान लो आपकी पेमेंट 50,000 है तो 1.5 लाख रुपये आपको जमा करके ही डिपार्टमेंट छोड़ सकते हो। अगर उसके अलावा छोड़ते हो तो फिर आपका चिट्टा फिट्टा चरित्र प्रमाण पत्र, आप अगर कोई भी दूसरी सर्विस में जाते हो तो वहाँ पर आपका यहाँ से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हमको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये दूसरी सर्विस कर रहा है, तो अगर वो फिर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका लगेगा तो वो ख़राब कर देंगे, तो इसलिए वो आपको पैसा जमा कराना ही पड़ता है। 2 लाख रुपये टोटल 3 महीने की सैलरी, उसके अलावा 70-80 हज़ार रुपये कुछ ऐसा है, कुल मिला के 2 से 2.5 लाख रुपये आपको जमा कराने के ही जाना पड़ेगा।
ट्रेनिंग में ये पैसा कम होता है, अगर आप ट्रेनिंग में छोड़ते हो तो ये पैसा थोड़ा सा कम होता है, आपका और कोई डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय ये 70-80 हज़ार के बीच का भी पैसा चल रहा है तो उतना ही जमा करना पड़ता है। अब इसके अलावा कि आप अगर 10 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको ये पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनपीएस वाला क्लियर नहीं है कि एनपीएस की जो सेवाएं आपको वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक चीज़ आपको नहीं पता होगी दोस्तों, अभी स्कॉलरशिप से सभी पैरामिलिट्री की फ़ोर्स के स्कॉलरशिप से, जैसे डॉक्टरी जिनके बच्चे डॉक्टरी करना चाहते हैं उनके लिए अलग से सीटें गठित कर दी गई है कई विद्यालयों में, जैसे दिल्ली का आपका जो बड़ा एम्स है उसमें अलग से पैरामिलिट्री फोर्स की जो सीटें हैं वो अलग से डिवाइड कर दी गई, इतनी सीटें जिनके बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं तो उनको आपको वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है, शायद यह बातें पता होगी नहीं होगी आपको। तो इस प्रकार के कई बेनिफिट्स हैं। अब हॉस्पिटल के बेनिफिट्स बताता हूँ मैं, अगर आपके डिपेंड करता कोई भी उसका अगर किसी भी हॉस्पिटल में मतलब आप इलाज करवाते हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में आप रहते हो, जिस डिपार्टमेंट के आप मतलब फौजी हो या सर्विस करते हो, उस डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल से रेफ़र होना चाहिए। वहाँ से रेफ़र कराने के बाद में आपका पूरा का पूरा बिल, चाहे कितना ही बड़ा इलाज हो, आप पे जो लोग डिपेंड करते हैं जैसे आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन भी अगर शादी नहीं की है तो, और आपका भाई छोटा, ये लोग आप पे डिपेंड करते हैं। तो इनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मतलब इनका इलाज चलता है कोई भी हॉस्पिटल में, तो उसका पूरा का पूरा खर्चा वहन करेगी आपका डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा पैसा देगी, उसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेडिकल फ़ायदे होते हैं आपको पैरामिलिट्री फोर्स में, जैसे आप ट्रेनिंग करोगे ट्रेनिंग के बाद में आपको ये फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। अगर ट्रेनिंग के बाद में किसी के माता पिता के अभी भी कोई परमानेंट, जैसे कईयों का इलाज चलता है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो परमानेंट चलती है, तो उन इलाज का पैसा भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा दोस्तों। इसमें दो प्रकार के होते हैं, क्रेडिट भी होता है और आप मतलब एक बार आप दोगे फिर आपको डिपार्टमेंट दे देगा, और एक होता है डायरेक्ट डिपार्टमेंट आपको पैसा देगा, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगाते रहना। तो इस प्रकार से ये बेनिफिट्स है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, वो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें इस प्रकार के और बेनिफिट्स बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।